लोगों के प्रकरण जो है अपने केसों में मतलब गति इसलिए नहीं आ रही है कि पहले तो जज साहब नहीं थे कोर्ट के अंदर, अभी दो महीने पहले जज साहब आ गए लेकिन वो सिविल कोर्ट के जज साहब को वहाँ भेजा है, इसलिए वो अभी थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं प्रक्रिया को। जैसे आप लोग हो, मान लो जल प्रदाय शाखा के कर्मचारी है और उनको वाहन शाखा में भेजेंगे तो वो तत्काल काम नहीं कर सकते, वही स्थिति जज साहब के सामने भी है, तो वो थोड़ा समझ रहे हैं। मेरे हिसाब से अगले महीने से अपने जो प्रकरण है उनमें गति आना शुरू हो जाएगी, एक दो महीने में वो गति से चलने लग जाएगा। उसी गति को की वजह से हमने 70 प्रकरण अपने कर्मचारियों के इंदौर कोर्ट में हमने ले गए हैं और उनके दावे भी हमने लगा दिए हैं वहाँ पर 70 लोगों के लिए। 70 लोगों के केस औद्योगिक न्यायाधिकरण इंदौर के समक्ष पहुँच गए हैं, उसमें हाई कोर्ट के जज साहब जो है वो सुनवाई कर रहे हैं। वहाँ नगर पालिका के वकील साहब हो चाहे नगर पालिका हो, इनकी ज़्यादा नहीं चलेगी, वहाँ कानून से काम चलेगा और ये वहाँ गिटर पिटर और वो एक आवेदन जो लाला के बढ़ा रहे हैं वो भी नहीं चलेगा। किसी भी कर्मचारी का यदि कोई प्रकरण में कोई व्यवधान आ रहा हो या कुछ भी हो तो वो मेरे को किसी भी समय आकर के मिल सकता है, जो 5 बजे 6 बजे 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक मैंने अभी व्यवस्था कर ली है। अपने घर के पर अलग से कमरा ऑफिस बना दिया है, वो व्यवस्थित 6 बजे मतलब मैं उज्जैन इंदौर जाता हूँ तो मैं 6 बजे तो आ ही जाता हूँ, तो 6 से 7:30 बजे तक के बीच में किसी को भी कोई तकलीफ है तो कोई भी आकर के अपनी जानकारी मेरे से ले सकता है। जून 2021 में जब ठेका दिया था उसी दिन हमने जब हमको मालूम पड़ा देने के 2-4-8 दिन बाद, वो खाली कुल्हड़ी में गुड़ पड़ा हुआ था, क्योंकि जो CMO और चाहे वो नगर पालिका प्रशासक हो चाहे SDM साहब हो चाहे और कोई तीस मार का हुआ, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार हुआ भयंकर 88 लाख रुपए का एक ही में, इसलिए उसको गोपनीय तरीके से किया गया। मेरा एक निवेदन है, आप लोगों को भी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, हमारे प्रेस के साथी लोग भी खड़े हैं तो ये प्रेस में भी जो मुद्दा जाएगा तो एक हमको इससे भी कानूनी रूप से थोड़ी ताकत मिलेगी। देखिए डेली वेजेज के रूप में ही ठेका श्रमिक काम करते हैं, जो तनख्वाह आपको मिलती है वही तनख्वाह ठेकेदारी में रखेंगे उनको देना पड़ेगी, तो जब यही तनख्वाह इनको देना है तो ठेकेदारी के माध्यम से आदमी क्यों रखना चाहते हैं भाई, जो यही तनख्वाह नगर पालिका के खाते से जो 351 रुपये सफाई कर्मचारी को मिल रही है, इतने 351 रुपये कर्मचारी की तनख्वाह है ये बहनों की या आप लोगों की सबकी, और ये जो जल प्रदाय शाखा है इनके अंदर भी जो अकुशल के श्रमिक है उनको वही मिल रही है, जो अर्धकुशल के जो सफाई में भी काम कर रहे हैं बहने चाहे आप लोग उनको भी, जिनको 384 रुपये मिल रही है तनख्वाह, वही तनख्वाह इनको मिल रही है, और जो कुशल कर्मचारी है उसको 434 रुपये तनख्वाह मिल रही है, तो यही तनख्वाह पे वो लोग ठेके में रख करके और ठेकेदार के माध्यम से वो पैसे हड़पने के लिए कर रहे हैं, चाहे उस समय CMO हो चाहे और कोई जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई MP MLA हो चाहे और कोई भी हो, वो जो भी कर रहा है ठेका चलाने की बात कर रहा है वो भ्रष्ट और बेईमान है, वो सब भ्रष्ट और बेईमान है, वो इन कर्मचारियों का शोषण करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना खुद का पेट भरना चाहते हैं। मैं उन लोगों को भी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इस तरीके से गरीब लोगों का शोषण करना बंद कर दो, नहीं तो सड़ के मरोगे और आखिरी वक्त में ये देखोगे कि मेरे को हॉस्पिटल से घर ले चलो। मैंने मेरे नेताओं को देखा है जो ने अपना घर भी नहीं देख पाए, जो उनकी तूती बोलती थी फैक्ट्री के अंदर वो अस्पताल में से सिक्योरिटी वाले ले जा के उनको वहाँ बिठाए, कोई नहीं पूछता है, बाद में ऊपर वाले के लठ में बहुत ताकत रहती है, इससे डरना चाहिए अधिकारियों को, कोई मुकालता नहीं। यदि ठेकेदारी में कर्मचारी रखेंगे तो हमारी यूनिट जबरदस्त तरीके से उसका विरोध करेगी, क्योंकि जहाँ पे भी ठेकेदारी चल रही है उसकी यदि वो जानकारी मेरे को ये कुछ कुछ मिल रही है,
लेकिन अभी भी वो चोरी छुपे ठेकेदारी चला रखे हैं और 5,000 रुपए दे रहे हैं उन कर्मचारियों को। अरे जब जिनकी तनख्वाह 10,000 है तो 5,000 में मुंह काला कौन करवा रहा है? वो क्या सीएमओ को क्या है कि तनख्वाह 1,00,000 रुपए मिल रही हो कम पड़ रही है क्या, या वो सफाई कर्मचारियों के जो अधिकारी है क्या उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है? दूसरी चीज, सफाई विभाग में 400 के करीब कर्मचारी काम करते हैं, यदि 36 का उसमें भाग दिया जाए तो 12-13 कर्मचारी एक वार्ड में जाते हैं। मैं आप लोगों जो काम करते हो आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, बताओ आप एक एक वार्ड के अंदर कितने कितने लोग काम करो? एक एक वार्ड में 2-2, 3-3 लोग दिखते हैं, बाकी कर्मचारी कहाँ है? वो फर्जी तरीके से उनकी तनख्वाह निकल रही हो, फर्जी तरीके से जा रहा है। यदि ये तरीके से नहीं मानेंगे तो इसकी भी जांच कराना मेरे को आती है। इसलिए जो ठेके में आदमी रख करके उनके नाम से पैसे खाने की जो योजना बन रही है उसका पूरी ताकत के साथ विरोध किया जाएगा और जरूरत पड़ने पे चक्का जाम भी किया जाएगा नगर पालिका का, और नगर पालिका के अंदर किसी कर्मचारी को अंदर भी नहीं घुसने दिया जाएगा।